मुंबई के पत्रकार जेडे हत्याकांड में 7 साल के बाद फैसला, छोटा राजन दोषी करार। मकोका कोर्ट ने सुनाया फैसला, जिग्ना वोरा और पॉल्सन बरी। जेडे हत्याकांड में छोटा राजन समेत 11 लोगों पर था केस, पत्रकार जेडे को 11 जून 2011 को मुंबई के पवई इलाके में मारी गई थी गोली। उन्नाव रेप मामले में पीड़ित की मां ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की अर्जी, फर्जी एफआईआर कराने वाले पिंटू सिंह के लापता होने की भी हो जांच। उन्नाव केस में सीबीआई ने सीलबंद लिफाफे में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट, 21 मई को अगली सुनवाई। सामने आया टाउन प्लानर शैल बाला शर्मा का आखिरी वीडियो, विजुअल्स में हत्या का आरोपी विजय ठाकुर भी आया नजर। हिमाचल के कसौली में हुई थी असिस्टेंट टाउन प्लानर की हत्या, अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान वारदात। कसौली में आरोपी विजय ठाकुर के लगे पोस्टर, सुराग बताने वाले को 1 लाख का इनाम। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत अतिक्रमण हटाने गई थी शैल बाला शर्मा, सुप्रीम कोर्ट ने माना कोर्ट की अवमानना, मामले पर कल सुनवाई। आरोपी की मां ने मीडिया को बताया, डेमोलिशन अभियान की वजह से परेशान था बेटा। कटियार में तबादले के बाद आयोजित विदाई समारोह में जोश में होश खो बैठे एसपी सिद्धार्थ मोहन, डीएम के साथ दोस्ती निभाने का गाना गाते हुए पिस्टल से किए दनादन 10 फायर। फायरिंग की घटना पर कार्रवाई के आदेश, मुंगेर और वैशाली एसपी को भी नोटिस। मुंगेर में हरियाणा की लोक गायिका सपना चौधरी के गानों पर झूमते दिखे एसपी, ट्रांसफर के बाद अपने विदाई समारोह में लगाए झूमते। कानपुर में अपनी बहन की शादी में दनादिन फायरिंग करता नजर आया दारोगा का बेटा, खुद ये वीडियो फेसबुक पर किया अपलोड। गुजरात के गिर में शेरों के शिकार खाते वक्त लोगों ने किया परेशान, डराकर भगाने की कोशिश। कुछ लोग शेरों के सामने जाकर मचा रहे थे शोर, वन विभाग पर लापरवाही का आरोप। जंगल में शेरों की सुरक्षा को लेकर उठे सवाल, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। साउथ अफ्रीका के एक निजी चिड़ियाघर में शेर ने मालिक पर किया हमला, भागते मालिक को दूर तक उठाकर ले गया शेर। हमले में बुरी तरह जख्मी हो गए बुजुर्ग, अस्पताल में चल रहा इलाज। मिशन कर्नाटक के तहत पीएम मोदी, कर्नाटक किसान मोर्चा से की बात, मोदी सरकार का बजट किसानों का बजट। नमो ऐप के जरिए पीएम ने किसानों को किया संबोधित, 2022 तक किसानों की आमदनी करेंगे दोगुनी। देवगौड़ा की तारीफ पर कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने किया ट्वीट, 2014 में आपने अपने आडवाणी के साथ क्या किया हम सब जानते हैं। अच्छे कपड़े नहीं पहन सकने वाले बयान पर कांग्रेस ने फिल्म सगीना के गाने के साथ पीएम मोदी की तस्वीरें ट्वीट की, पहले पहने गए सूट की कीमत बताई 10 लाख और 13 लाख। राष्ट्रपति महात्मा गांधी की 150वीं जयंती की तैयारी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की बैठक, केंद्रीय मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल। यूपी में दलित गांव में रात्रि प्रवास की योजना की खुली पोल, होटल से मंगाया गया था पालक पनीर, मखनी दाल, कॉफी, रसगुल्ला और मिनरल वाटर। राज्य मंत्री सुरेश राणा के लिए लोहागाड़ी गांव के सामुदायिक केंद्र में होटल जैसे इंतजाम, लगाए गए गद्दे और कूलर भी। दलित रजनीश के घर अचानक आ गए थे मंत्री जी, घर में खाने का नहीं था कोई इंतजाम। झांसी में यूपी के मंत्री राजेंद्र प्रताप पहुंचे दलित के घर, कार्यकर्ताओं के साथ खाया खाना। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का बयान, बीजेपी के लोग पुरानी मानसिकता के शिकार। पीएम मोदी के दावे पर फिर उठा सवाल, आजादी के बाद मुंबई के गोरई गांव में अब तक नहीं पहुंची बिजली। जम्मू कश्मीर के राजौरी के कई गांवों तक नहीं पहुंचे बिजली के तार, मोबाइल चार्ज कराने जाते हैं 6 किलोमीटर दूर। झारखंड के सापरूम गांव में बिजली नहीं पहुंचने की खबर का असर, 24 घंटे के अंदर बिजली पहुंचाने के लिए शुरू हुई पहल।
झारखंड के एक आदिवासी गांव में युवकों ने खुद बनाया जनरेटर, बच्चों की पढ़ाई के लिए रोजाना 5 घंटे बिजली का उत्पादन। जलालपुर के विधायक ने खोली गुजरात के विकास की पोल, जल संकट पर दिया हैरान करने वाला बयान, बोले मेरे बोरसी माछीवाड़ गांव में पानी मांगो तो मिलती है बियर। दुनिया के 14 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर भारत में दिल्ली है 6ठे नंबर पर। सुप्रीम कोर्ट ने महाकाल मंदिर कमेटी की सिफारिशों पर जताई सहमति, अभिषेक के लिए आरओ के पानी का ही होगा इस्तेमाल। गंगोत्री धाम को गंगा नदी से बड़ा खतरा, मलबे की वजह से रुक सकता है प्रवाह। हाल के दिनों में बारिश और जमीन धसकने से बड़ी मुश्किल, गोमुख के आगे जमा हो रहा है मलबा। रुद्रप्रयाग में कई एटीएम से नहीं मिल रहा कैश, केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को दिक्कत। दिल्ली में रेप पीड़िता पर आरोपी और उसके जीजा के धारदार हथियार से हमला करने का आरोप, दोनों फरार, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के रामपुर में एसपी नेता पर्वत सिंह यादव और एक होमगार्ड की गोलियों से छलनी कर हत्या हुई, आजम खान के करीबी थे पर्वत सिंह। इटावा में पुलिस ने दो पक्षों के बीच विवाद सुलझाकर कराई शादी, थाने के बाहर संपन्न हुआ विवाह। यूपी के एटा में तमंचे के नोक पर बदमाशों ने महिला से छीना पर्स, एक के बाद एक दो वारदातों को दिया अंजाम। गाजियाबाद में रबर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 8 गाड़ियां काबू पाने में जुटी। यूपी के बाराबंकी में रेस्टोरेंट गेट पर बेकाबू बस ने बारातियों को रौंदा, 7 लोगों की मौत, 6 गंभीर रूप से घायल। फतेहपुर के बकेवर में भी दर्दनाक हादसा, एक ट्रक की टक्कर से घी से भरे ट्रक में लगी आग, जिंदा जल गया क्लीनर। सासाराम में चलती बस की छत पर डांस करना बारातियों को पड़ा महंगा, बिजली के तार की चपेट में आकर 6 बाराती झुलसे, अस्पताल में भर्ती। सीतामढ़ी में दवा के 2 कारोबारियों पर बदमाशों ने चलाई गोली, सीसीटीवी में कैद, बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। छिंदवाड़ा के चौराहे में शादी के दौरान कॉफी मशीन में हुआ धमाका, बच्चों समेत 6 लोग घायल। फिरोजपुर में 7 साल की मासूम से 22 साल के युवक ने किया रेप, अस्पताल में भर्ती है बच्ची, आरोपी गिरफ्तार, परिजनों ने की फांसी की मांग। दिल्ली के विकासपुरी में 7 साल के छात्र से दुष्कर्म, आरोपी युवक गिरफ्तार। दिल्ली के रोहिणी इलाके में बाइक सवार 2 युवकों को बदमाशों ने मारी गोली, गंभीर रूप से घायल, दोनों अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के तिगड़ी में एक शख्स ने मिर्च स्प्रे करके ज्वेलरी शॉप लूटने की कोशिश की, लेकिन जौहरी की बहादुरी से हुआ नाकाम, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीर। लुटेरा पहले ग्राहक बनकर देखता रहा जवाहरात और फिर मौका पाते ही जौहरी पर किया मिर्च स्प्रे, हिम्मत दिखाते हुए दुकानदार ने लुटेरे को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। किशनगंज में अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत पर हंगामा, परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। रायसेन पुलिस ने एक महिला का सिर कुचला, शव मिलने का सुलझाया मसला, आरोपी गिरफ्तार, अवैध संबंध के ताने बाने का हुआ खुलासा। हैदराबाद की महिला को कुवैत में बंधक बनाने का मामला सामने आया, मेड का काम कराने वाली महिला से मकान मालिक ने की मारपीट। अजमेर में लूट के इरादे से बदमाशों ने एटीएम को बारूद से उड़ाया, लेकिन एटीएम के परखच्चे उड़ने के साथ ही जल गया, 14 लाख कैश। शबे बारात की रात दिल्ली पुलिस ने हुड़दंगी बाइकर्स के काटे चालान, यातायात नियम तोड़ने वालों को रोका। किशनगंज में पड़ता तेज रफ्तार ट्रक चपेट में आने से सड़क किनारे खड़े 2 लोगों की मौत, लोगों ने हाईवे पर किया हंगामा। फेसबुक पर विवादित टिप्पणी के बाद कच्छ में भड़के दलित, सड़क पर हंगामा, कुछ पुलिसकर्मी घायल। कोलकाता मेट्रो में गले लगने पर युवा जोड़े को लोगों ने पीटा, विरोध में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी। उधमसिंह नगर में बैंक की एक शाखा से चोरों की 15 लाख की चोरी, लेकिन लोगों की मुस्तैदी से बैग छोड़कर फरार, बाद में पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। जोधपुर में मोबाइल पर बात करते हुए की ड्राइविंग तो अब रद्द होगा लाइसेंस, ट्रैफिक एसीपी का फरमान। इंदौर में आयुर्वेद की छात्रा ने एमजीएम कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर पर लगाया रेप का आरोप, कहा शादी का झांसा देकर लूटी इज्जत। हरियाणा के जज्जर में 11वीं की छात्रा से बलात्कार, 3 में से 1 आरोपी गिरफ्तार। अयोध्या के धर्मशाला में महिला के साथ बलात्कार, गुजरात से आई टूरिस्ट बस के ड्राइवर पर आरोप। दिल्ली से सटे नोएडा में थाने में महिला की मौत पर हंगामा, लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। इटावा में समारोह में नेक के लेन देन को लेकर वर वधु पक्ष में जमकर चले लाठी डंडे, आधा दर्जन लोग घायल। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में 2 युवकों ने अपने ही 2 साथियों को कुएं में फेंका, 1 की मौत।
लगातार उलझता जा रहा है मेरठ में दुल्हन के मर्डर का मामला, पुलिस को प्रेम प्रसंग में वारदात का शक। जम्मू कश्मीर के फर्जी लाइसेंस नेटवर्क में राजस्थान एटीएस ने 50वें आरोपी को दबोचा, बीएसएफ कांस्टेबल के नाम से किया था फर्जीवाड़ा। एटीएस की टीम ने मुंबई के कारोबारी दीपेश को किया गिरफ्तार, जब्त किया रिवॉल्वर और फर्जी लाइसेंस। हिमाचल प्रदेश के ऊना में खाई में गिरी श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी, 6 लोगों की मौत। त्रिपुरा में तूफान का बरपा कहर, सीएम विप्लव देव ने चांदमारी में जाकर किया नुकसान का जायजा, पीड़ितों को मदद का भी भरोसा। आंध्र प्रदेश में भी अचानक बदला मौसम का मिजाज, कृष्णा और गुंटूर जिले में तेज हवा के साथ हुई बारिश। जोधपुर चिड़ियाघर में गर्मी से परेशान जानवर, खुले में नहलाने का किया गया इंतजाम। बढ़ती गर्मी के साथ शिमला में गहरा जल संकट, ग्रामीण अंचल में 1,000 रुपए में बिक रहा 2,000 लीटर पानी, दूर लाकर पानी लाने की मुसीबत। दिल्ली के हरिनगर विधानसभा क्षेत्र में पीने के पानी का संकट, गंदा पानी पीने को मजबूर है लोग, विधायक पर समस्या को अनसुना करने का आरोप। अभिनेत्री सोनम कपूर 8 मई को मुंबई में रचाएंगी ब्याह, बॉयफ्रेंड आनंद आहूजा के साथ लेंगी साथ फेरे, रोशनी से जगमगाया घर। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने शादी की खबरों को किया खारिज, कहा हाथ में पहने एविल आय को लोगों ने समझा मंगलसूत्र। कल 30 साल की हुई अनुष्का शर्मा, मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच जीतकर विराट ने पत्नी को दिया बर्थडे का तोहफा, ट्वीट की तस्वीर। अनुष्का ने अपने जन्मदिन के मौके पर एनिमल शेल्टर बनाने का किया ऐलान। मजदूर दिवस और महाराष्ट्र दिवस के मौके पर आमिर खान ने मराठवाड़ा में किया श्रमदान, अभिनेत्री आलिया भट्ट ने भी दिया साथ। आईपीएल में आरसीबी ने मुंबई इंडियंस को 14 रन से दी शिकस्त, 168 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी, एमआई 153 रन ही बना सकी। मुंबई की ओर से हार्दिक पांड्या ने बनाए सबसे ज्यादा 50 रन, 5 चौके 1 छक्का जड़ा। पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी के बल्लेबाज मनन बोरा ने बनाए तेज तरार 45 रन, अपनी पारी में 4 छक्के और लगाए 2 चौके भी। कप्तान विराट कोहली ने 32 रन का दिया योगदान, मैकलम ने बनाए 37 रन। आरसीबी की ओर से टीम साउदी ने 4 ओवर में 25 रन देकर पांड्या समेत 2 विकेट झटके, बने मैन ऑफ द मैच। आईपीएल की अंक तालिका में 5वें नंबर पर है आरसीबी, मुंबई इंडियंस 7वें पायदान पर। अंक तालिका में चेन्नई सुपर किंग्स पहले और सनराइजर्स हैदराबाद दूसरे पायदान पर। दिल्ली डेयरडेविल्स के इस बार भी बुरे दिन, अंक तालिका में अंतिम पायदान पर। आईपीएल में आज दिल्ली डेयरडेविल्स और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला, रात 8 बजे दिल्ली में खेला जाएगा मैच। बिहार की टीम का रणजी में खेलने का रास्ता साफ, बीसीसीआई ने ड्राफ्ट संविधान सुप्रीम कोर्ट को सौंपा, इस साल सभी टूर्नामेंट में खेलेगी बिहार की टीम। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।